हेलो एवरीवन, मैं हूं शायोग और मैं तोहिद। तो गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द क्रिएटिव फिटनेस पे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, जिस इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस, आज एमएमजी प्रोग्राम का सेकंड लास्ट स्केड्यूल शोल्डर होने वाला है, मतलब कांधे। तो गाइस, कांधे को अच्छे से मजबूत करेंगे क्योंकि काफ़ी बोझ रहते हैं कांधे पे, ठीक है। तो गाइस वीडियो में जाने से पहले वीडियो के आखिर तक बने रहे, और शायद आप सभी को पता ही है कि आगे क्या करना है। तो गाइज, अपने अपने कांधे को बोझ को साइड पर रखते हैं, तो चलते हैं वीडियो पे। तो गाइज, फ्रंट फेस का जो ग्रिप होगा वो शोल्डर से थोड़ा ब्रॉड पकड़ेंगे, न्यूट्रल ग्रिप या थंब ग्रिप भी पकड़ सकते हैं। लिफ्ट करना है, रिस्ट को स्ट्रेट रखना है, ऊपर जाते वक्त ब्रेद आउट, नीचे ब्रेद इन, स्क्वीज करना है मसल को। और एक चीज़ ध्यान पर रखें, एल्बो को लॉक नहीं करना है, शाई लॉक रखना है। ये हमारा डेल्टॉइड मसल को हिट करेगा, साथ में ट्राइसेप्स भी और अपर बैक भी। देख रहे किस तरह से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। अपर चेस्ट के पास लाना है और पुश करना है शोल्डर से, और ब्रेद आउट, नीचे ब्रेद इन, ठीक है। तो गाइस, नेक्स्ट हम लगाने वाले डंबल ओवरहेड प्रेस। तो इसका पोस्चर एंड सेटअप की बात करें तो आपकी बैक बिल्कुल सपोर्टेड होना चाहिए बेंच के साथ, एंड आपका बेंच पूरा 90 डिग्री एंगल में होना चाहिए। आपके कोर टाइट होना चाहिए, आपका चेस्ट अप होना चाहिए, आपका लेग स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका रेंज ऑफ मोशन की बात करें तो डंबल नीचे आते वक्त आपका शोल्डर लेवल तक होनी चाहिए, एंड ऊपर जाते वक्त आपको एल्बो सॉफ्ट, नीचे ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट। तो गाइस, डंबल को थाइस पे रखना है, एल्बो सॉफ्ट रखना है, एल्बो से लिफ्ट करना है, ऊपर ब्रेद इन, नीचे ब्रेद आउट। तो गाइस, ये जो साइड लैटरल रेज है ये शोल्डर स्ट्रेथनिंग एक्सरसाइज है जो हमारा शोल्डर मसल को टोन करता है, और इसका मेन टारगेट डेल्टॉइड्स पे है, और साथ ही साथ ये ट्रेपेजियस मसल को भी टोन करता है। ओके, देख रहे किस तरह से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। एल्बो से लिफ्ट करना है, नीचे लाना है, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, स्लो मोशन पे रखना है, और शोल्डर से ऊपर लिफ्ट नहीं करना डंबल को, ठीक है। तो गाइस, इसमें आपको एल्बो को अप रखना है, ऊपर ब्रेद इन, नीचे ब्रेद आउट। ये जो बेंट ओवर लैटरल रेज है गाइस, ये हमारा पोस्टीरियर डेल्टॉइड को हिट करेगा, और साथ में रोटेटर कर्व, रोम्बॉइड और लोअर और मिडिल ट्रेपेजियस को भी हिट करता है, ठीक है। एल्बो से लिफ्ट करना है, ऊपर जाते वक्त ब्रेद इन, और नीचे ब्रेद आउट करना है आपको, देख रहे हैं। और बैक आपका आर्च रहेगा, सपोर्टेड रहेगा इंक्लाइन बेंच में 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लगाएंगे बारबेल फाउंड रेजेस। तो इसका जो पोस्चर एंड सेटअप रहेगा वो आपका बारबेल का ग्रिप आपका शोल्डर वेट होना चाहिए, आपका फिट का डिस्टेंस भी आपका शोल्डर वेट होना चाहिए, एंड आपका एल्बो हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए। ऊपर जाते वक्त आपको ब्रीथ आउट करना है, नीचे ब्रीथ इन, एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका कोर एंगेजमेंट, कोर आपका बिल्कुल टाइट होना चाहिए। सो गाइस, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज जो लगाने वाले हो हाई पुल या अपराइट रोज कहते हैं। इसका ग्रिप की बात करें तो ये आपका शोल्डर वेट्स होना चाहिए, आपका फिट की डिस्टेंस भी आपका शोल्डर वेट्स होना चाहिए, एंड आपका चेस्ट आप, शोल्डर ब्लेड आपका रिट्रैक्ट होना चाहिए, कोर टाइट, एंड ऊपर जाते वक्त आपका एल्बो बिल्कुल वाइड होना चाहिए यानी पैरेलल होना चाहिए, और बार को अपनी चिन तक लाने की कोशिश की। ऊपर बार को लिफ्ट करते हुए ब्रीद आउट, एंड नीचे ब्रीद इन। जो बिगिनर्स है वो अपना शोल्डर के रेंज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ही बार को लिफ्ट करें। तो गाइस, शख्स का जो ग्रिप होगा वो शोल्डर से ब्रॉड रहेगा, न्यूट्रल ग्रिप या थंब ग्रिप भी पकड़ सकते हैं, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। गाइज, इसका जो मेन टारगेट है ये ट्रेपेजियस मसल होगा, और साथ में अपर और लोअर नेक भी। एल्बो सॉफ्ट रखकर लिफ्ट करना है, होल्ड करना है, और नीचे स्क्वीज करना है, ठीक है। और जिसके पास स्मिथ मशीन नहीं है वो नॉर्मल बारबेल भी यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं किस तरह से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। लिफ्ट करना है ट्रैप्स को और छोड़ना है, लिफ्ट करना है और स्लो छोड़ना है, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। तो गाइज, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो गाइज, एक गुड न्यूज़ है, एमएमजी प्रोग्राम का लास्ट स्केड्यूल कंप्लीट होने के बाद हम लोग डाइट प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, ठीक है।
तो आप फिलहाल इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे चैनल द क्रिएटिव फिटनेस में। तब तक के लिए गुड नाइट।